पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानसाली परिपीत पराग पुंजम् यस्यामलं नृपसदस्वशोधुनापि गायन्ति गग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तन्ना कपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये कान्तिस्सितामृषतिनिन्दितशारदं यत्रैकतो विलसितामसिताङ्ग शोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री भगवान राधा मुकुंद की कृपा से यह पवित्र क्षण हम सबों को प्राप्त है, इसका सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में आए हैं और उनकी अभेदायी छत्र छाया में बैठकर हम लोग जैसी बुद्धि होगी तदनुसार सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। तो गुरुजनों को हमारे सकल शुभानुध्यान महापुरुषों को सबको प्रणाम करता हूँ। और फिर इस समय जो क्रम प्राप्त है उसके आधार पर सेवा के लिए सन्नद्ध हुआ हूँ और वो श्रीमद्भागवत जी का जो मंगलमय पद्य है जिसकी व्याख्या श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी पद्धति से की है, तो उसके आधार पर पहले तो श्लोक का उच्चारण कर लें। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततश्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषस्सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याः युपद्रुताः भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणश्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो यहाँ तक के पद्य का आचार्य चरण ने हमारे वंदनीय चरण श्री सेनापति जी ने विविध टीकाओं के आलोक में और अपनी उत्प्रेक्षा से बहुत युक्ततर समीचीनतर जो हो सकता है उसका व्याख्यान आप सम्मुख समक्ष रखा और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे धीरे धीरे चलने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो आप सब जानते हैं कि यह जो सर्वप्रथम क्या क्रम बना कि परम ध्येय परमोपास्य जो श्री भगवान हैं तो उनके स्वरूप का वेदांत प्रसिद्ध पद्धति से स्थापन करने के बाद श्री भगवान बादरायन ने श्रीमद् भागवत जी के प्रधान प्रतिपाद्य का अनितर साधारण वैशिष्ट्य प्रकाशन करते हुए वर्णन किया और उसके बाद श्रीमद् भागवत जी का प्रामाण्य व्यवस्थापित करते हुए वेदादि की अपेक्षा भी रसमयतया और सुग्राह्य बताते हुए इसके पानार्थ जितने भी भावुक जन हैं उनका आवाहन किया और इसके पश्चात बुद्ध जन सेवित
बताते हुए नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में जहाँ 88,000 जो तपस्वाध्याय परायण ऋषिजन हैं, उनके मध्य जिज्ञासा मुखेन वर्ण्य विषयों का वेद स्थापन किया जा रहा है। और क्योंकि समाधान ग्रंथ के गौरव की जो आधार भित्ति प्रदान की जा रही है, क्योंकि प्रश्न आधार सुदृढ़ होना चाहिए, और इस प्रकार इस तरह इस अध्याय को हम प्रश्नाध्याय कह सकते हैं, जिसमें मानव मात्र के सार्वभौम समस्या का समाधान के उद्देश्य से मनु मुनिजन यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका उपवेशन है, और जिसमें ये क्षुद्र प्रयोजन भोजन निवास और मकान आदि इसकी कोई बात नहीं, ये सब तो साधारण चिंतक लोगों की समस्या हो सकती है। भाव संतरण, माया संतरण, भगवत प्राप्ति, परम कल्याण, या यूं कौन कहे कि भगवत प्रेम प्राप्ति जो सबसे बड़े अभाव और समस्या की बात है, उसको ध्यान में रखकर जिज्ञासा की गई। इससे पता लगता है कि ऋषियों का चिंतन स्तर कितना उन्नत है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हीं प्रश्न भित्तियों पर पूरा का पूरा ये ग्रंथ आधारित होगा। इसलिए बहुत सुंदर रीति से शौनकादि महर्षियों ने श्री सूत जी से ये प्रश्न किए हैं। एक और बात जो एक दो मिनट में बता करके फिर मैं मूल श्लोक में आऊंगा, वह कोई भी धर्म, कोई भी ज्ञान परंपरा बहुत संकुचित और दुर्बल तब हो जाती है जब उसका आधार व्यापक नहीं होता है, जिसमें सभी स्तरों के जीव की चिंता न हो और जिसमें विकल्प बहुत न हो, तो वो ज्ञान, वो संप्रदाय या कोई भी चिंतन वो बहुत चिरकाल तक स्थायी नहीं रह पाता है। जैसा कि आप देखिए भगवान नंदनंदन ज्ञान की परंपरा बताते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा कर लो, तो विविध विकल्प जिस पे है, तो जैसे भगवान कहते हैं ना, अभ्यास पे समर्थ हो सी, ये तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ये कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते हो तो ये कर लो। तो इस प्रकार हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात है, इसमें विकल्प बहुत है। आप विप्र हैं और यदि आप ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये कर लीजिए। इस प्रकार जिसमें विकल्प बहुत होते हैं वो धर्म, वो ज्ञान परंपरा बहुत स्थायी और कल्याणकारिणी होती है। तो अभी वह मंगलमय पद्य जिसका प्रथम श्लोक यहाँ है, सूत जानासि भद्रंते भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। आप देखेंगे कि यहाँ श्री सूत जी को लक्षित करके शौनकादि ऋषियों ने अभद्रम ते कह के आशीर्वाद भी दे दिया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि कथावाचक होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल आशीर्वाद ही बांटेंगे, आशीर्वाद लेने का अधिकार है, और शौनकादि ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया। सूत जीव समाह सौम्य, हे सूत आप वर्षों तक जीवित रहिए। अर्थात जो धन्य जीवन का स्वामी है, जिसका प्रतिक्षण रोम रोम भगवान के चिंतन से, नाम संकीर्तन से, भगवान के चिन्ह में, गुण के विलास में जिसका जीवन जीता है, तो धन्य जीवन का स्वामी, उसका बहुत काल तक जीने से जगत का कल्याण होता है। और जिसका जो संसार के लिए कंटक है, तो जो संसार के लिए भयावह है, तो उसके लिए तो प्रहलाद जी जैसे महापुरुष भी कहते हैं, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, तो इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्थात जानासी, इसका बहुत सुंदर विवेचन आचार्य चर ने किया था, जानासी इसका मतलब मेरे जो इष्ट अर्थ उपलक्षित प्रकाशवान असी, मैं जो अष्ट इष्ट अर्थ की कामना चाहता हूं, तो वह अर्थोपलक्षित जो प्रकाश है उस प्रकाश से आप संपन्न है भगवान। और सूत, सूत शब्द पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, यद्यपि श्री वंशीधराचार्य ने बहुत, क्योंकि ये परंपरावादी हैं वंशीधराचार्य, जो वर्णाश्रम धर्म में कठोर निष्ठा रखने वाले, तो उनका ये कहना था कि जैसे ब्राह्मण्याम क्षत्रियात जातः सूतः, और इस दृष्टि से कैसे इतने बड़े 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 ब्रह्मर्षियों को तत्व का ज्ञान देंगे, उनकी अधिकारिता को लेकर के विचार किया, और अंतिम में निर्णय ये दिया वंशीधराचार्य जी ने कि यह ये जात्या सूत नहीं है,
भले ही इन्होंने आत्मकार्पण्य के प्रकाशन के लिए ये कहा हो वयम विलोम जाता कहा है, लेकिन यह ऐसा ही है जैसे हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि कहूं कवन में परम कुलीना कपि चंचल सदही विधिहीना। मैं कितना कुलीन हूँ आप सब जानते हैं, मैं तो बानर हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। कहते कहते हनुमान जी ने दैन्य प्रकाशन के क्रम में यहाँ तक कह दिया कि प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह सुबह जो मेरा नाम लेगा उसको एकादशी करनी पड़ेगी, पूरा दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो ये क्या हनुमान जी का यथार्थ है कि हनुमान जी दैन्य का प्रकाशन कर रहे हैं, या तो वैष्णव जनों का भूषण है। तो श्री सूत जी ने इसी क्रम में उन्होंने कहा वयम विलोम जाता है, और आप सब संत महापुरुष विप्रजनों की कृपा से, आप लोगों ने जो अपने पास हमें बैठाया है, कुछ सिखाया है, तो उसकी कृपा से दोषकुल्य माधिम विधनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योगा। मेरा दोषकुल्य तो आप लोगों के अभिधान योग से ही सब नष्ट हो गया, आपने कृपा करके जो मुझे अपनाया। यद्यपि वायु पुराण में एक बात कही गई है कि श्री प्रथम महाराज के यज्ञ में सूच्या के क्रम में ये, जब क्योंकि आजकल तो स्मार्त यज्ञ होते हैं, श्रोत यज्ञ का दर्शन कम होता है, क्योंकि आहिताग्नि ही उसके अधिकारी होते हैं, अब आहिताग्नि ब्राह्मणों का दर्शन ही दुर्लभ हो रहा है। तो सूच्या क्रम के श्रोत याग, क्योंकि भागवत में जितने यज्ञ हैं आप देखेंगे सब श्रोत याग आपको मिलेंगे। श्री प्रथम महाराज के यज्ञ में जब सूच्या कर्म चल रहा था तो वही इंद्र देवता के जब हवि दी गई, उससे फिर उसी क्रम में श्री सूत जी का प्राकट्य हुआ, और इसलिए इनको अग्नि कुंड समुद्भव इत्यादि कहा जाता है। और ये अग्निज हैं, अग्नि से प्रकट होने वाले हैं, और श्रुति कहती है अग्निर्वय ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है, और इसलिए सूत जी का अभिप्रत्व। और यही कारण है कि श्री दाऊ जी महाराज के द्वारा जब इनके उद्धार का क्रम हुआ तो उस समय ब्रह्म हत्या व्रत चीर्ण श्री दाऊ जी महाराज ने वहां कहा गया कि आप के ऊपर कौन शासन कर सकता है, निगम आपके अधीन चल रहा है। ऐसी स्थिति में फिर भी लोक संग्रह के लिए तो श्री दाऊ जी महाराज ने जो ब्रह्म हत्या चीर्ण किया है, इससे पता लगता है कि इस ब्राह्मण है। श्री शौनक जी ने कहा ना यज्ञ देह ब्रह्म हत्यायाः पावनम लोक पावन, तो इससे इनका विप्रत्व अक्षुण्ण होता है, तभी तो ब्रह्मासन पर विराजमान होकर पुराण उपदेश कर रहे हैं। सूत शब्द का प्रयोग तो इनके लिए यूं किया जाता है कि ये कथा प्रवक्ते साम्य होने के कारण, और यूं होने के पुराण के गायक होने के कारण, प्रवक्ता होने के कारण, यद्यपि सूत जाति के लिए पौराणिक पद का प्रयोग होता है, अथापि राजाओं के द्वारा उत्साह संवर्धन के लिए इस प्रकार का प्रयोग देखा जाता है। एक और प्रश्न जो विचारणीय है, बस उसकी चर्चा करके एक दो सेकंड में, तो वो ये मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नातम अन्यत्र छांदसात, यह भी कहा गया कि हे भगवान आप सकल विद्या के रहस्यज्ञ हैं, छांदसात अन्यत्र, तो वेद से अतिरिक्त, या इससे पता लगता है कि यदि ये विलोमज नहीं होते तो वेदाधिकारी होते, भगवान बादरायन इनको वेदोपदेश भी करते, तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है। लेकिन यह कथन भी जाति विषयक ही है, तथापि सूत्र शब्द का प्रयोग इनमें उपचारता है, औपचारिक प्रयोग है, अन्यथा पुराणम ब्रह्म संहितम, तो ऐसे पुराण विद्या में भी अधिकृत कैसे होते, ऐसे बड़े बड़े भृगुवंशी श्री शौनक जी जो कुलपति के रूप में प्रसिद्ध हैं, और कैसे उनके चरणों में बैठ करके यह शास्त्र का प्रवचन करते। दूसरी बात है कि भगवान के नाम का ऐसा अचिंत्य महात्म्य है कि स्वादोपि सद्य सबनाय कल्पते, ये तो बहुत क्षुद्र चिंतन है। इसलिए भगवान का तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वपत सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, भगवान के नाम में परम पावनता, पावन बनाने की क्षमता है सब प्रकार की। अरे भगवान बादरायन की करुणा कटाक्ष से इतने ये पोषित हैं क्योंकि इनमें विशिष्ट योग्यता का आधान है, इसलिए ये सब तो शास्त्रीय चिंतन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आचार्यों ने इस ढंग से भी विचार किया, हम उन सब बातों को भी दूर करते हुए मूल श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। और सूत जानासि भद्रंते, हे सूत जी भद्रम ते, आपका परम कल्याण है, आप क्या नहीं जानते। जानासी भगवान सात्वतां पति,
और इसका खूब सुंदर व्युत्पादन, विविध कल्पों का व्युत्पादन श्री आचार्य चरण ने किया। और यहाँ यस्य चिकीर्षया, और यत पदार्थ को श्रीधर स्वामी जी ने जैसा स्पष्ट किया, वह भी बहुत काल तक की भ्रांति जैसा रहा, श्रीधर स्वामी जी की शरण में जाते ही ये बात कुछ स्पष्ट हुई कि यस्य अर्थ विशेषस्य चिकीर्षया, ये सब प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए श्री भगवान वसुदेव जी के यहाँ उनकी भार्या में देवक्याम जाता। यहाँ श्री वंशीधराचार्य जी ने श्री वसुदेव जी की भार्या में श्री भगवान प्रकट हुए जिस अर्थ विशेष की चिकीर्षा से, तो वहां उन्होंने वही अर्थ जो सिद्ध किया जिसको आप सब जानते हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया कि ये अर्थ विशेष क्या है, भगवान का प्रयोजन, तो श्री कुंती माता ने जिन जिन प्रयोजनों का परिगणन किया है वहां, उनमें से अंतिम जो वस्तुतः सिद्धांत सिद्ध भगवत श्रवण स्मरण के योग्य जो प्रयोजन है, उनके लिए जो सामग्री है, अपेक्षित जो उपादान है, उसको प्रकट करने के लिए, और कहा कि कुंती जी के वचन का परिवसान इसी में हुआ है, इसलिए इसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। और फिर देवक्याम वसुदेवस्य, तो यहाँ प्रायः देखा ये जाता है कि जो संस्कृत भाषा का नेचर है उसके हिसाब से दशरथात कौशल्यायाम रामो जाता है, तो जो पिता होते हैं उनमें पंचमी लगा देते हैं, और जो माँ कुक्षी में धारण करती है इसलिए उसमें सप्तमी लगा करके, और आधार बोध से और प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो वसुदेवस्य देवक्याम जाता, तो यहाँ संबंध का अवधारण करते हुए वसुदेवस्य देवक्याम जाता है, इस ढंग से षष्ठी का दर्शन हुआ। कुछ लोगों ने संबंध सामान्य की षष्ठी की भी चर्चा की है, ये जो वीर राघवाचार्य आदि ने इस प्रकार की चर्चा की है। लेकिन यह जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वह धर्म मूलक संबंध है, जिसे भगवान पाणिनि कहते हैं ना, पत्युरो यज्ञ संयोगे, और वहां अर्थ कितना सुंदर किया कि वशिष्ठ कृत यज्ञस्य फलभोक्त्री, तो पति पत्नी का संबंध इस प्रकार समान कर्तृक जो यज्ञ है, यज्ञ की फलभोक्तृत्व है ना, अर्थात पति कृत अनुष्ठान फलभोक्तृत्व रूप संबंध से दोनों का संबंध हुआ, और संबंध मूलक षष्ठी का दर्शन। अनेक प्रकार के संबंध है, तो किसी संबंध का अनुसंधान करके आप षष्ठी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो देवकी माता है, देवकी शब्द जो है उसको लेकर के वंशीधराचार्य जो श्री माधव गौड़ेश्वर परंपरा का जो चिंतन है उसके प्रति आग्रह रखते हुए उन्होंने वही विवेचन किया, देवक्याम नाम यशोदायाम। श्री भगवान नंद नंदन तक बिल्कुल ठीक निशाने पे बात पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा देवक्याम अर्थात यशोदायाम, और उन्होंने कहा कि श्री यशोदा मैया के दो नाम हैं, श्री नंद भारिया जो श्री यशोदा मैया हैं उनके दो नाम हैं, यशोदा देवकी तीच, श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा द्वे नामनी नंद भार्यायाः यशोदा देवकी तीच, इस क्रम से श्री यहाँ जो देवक्याम है उसका अर्थ यशोदायाम, श्री भगवान नंदनंदन की ओर निर्दिष्ट करके ही ये बात कही गई है। और कहा ठीक है ये तो आपने कर लिया, लेकिन श्री वसुदेव जी का क्या करेंगे, उनकी संज्ञा तो चिक चिक करके बता रही है कि वसुदेव जी हैं। कहा कोई बात नहीं, वसुना दिव्यति द्योतते इति वसुदेवः, और वसु पद का अर्थ हुआ गोधनम, अर्थात वसुना गोधनेन, ओ कोश के सहयोग से कैसे वसु शब्द धनवाचक होता है ये बता दिया, वसुना गोधनेन दिव्यति द्योतते इति वसुदेवः, और वसुदेव जी का अर्थ हुआ अर्थ नंद, वसुदेव शब्द का अर्थ हुआ नंद, नंदस्य यशोदायाम जातः, ये अभिप्राय प्रकट हो गया।
अथवा वसुसु दिव्यते इति वसु प्रवरः। वसु में जो अधिक प्रकाशित होते हैं श्रेष्ठ होने के कारण, यह अर्थ भी किया। अथवा वसुश्चासो देवश्च, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से ये युक्ति पूर्वक श्री वसुदेव जी का अर्थ है नंद, वसुदेव पद का अर्थ नंद है, ये प्रकाशित किया। और श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंध में ही जो मंगलमय पद्य है, उस पद्य के आलोक में वह पद्य द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सहभारिया यज्ञे नंदः। श्री बाबा नंद कैसे पूर्व अवतार में, पूर्व स्वरूप में कैसे द्रोण नामक वसु थे और वसु प्रवर थे और उनकी गृहिणी धरा नाम की थी, कैसे उनके वही फिर श्री नंद जी के रूप में प्रकट हुए, इसका उल्लेख जो किया गया उसका। और एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जिनको बहुत आग्रह हो, जिन्होंने श्री वसुदेव जी और देवकी माता के यहाँ भगवान प्रकट हुए, तो उनसे हमें कोई लड़ाई थोड़ी करनी है। यथाश्रुत अर्थस्तु प्रसिद्ध है, जो यथाश्रुत प्रथम क्षण में जो प्रतीयमान अर्थ है, उस अर्थ में हमें कोई विरोध नहीं है, भगवान वहां भी तो प्रकट हुए ही। लेकिन श्री भगवान नंद नंदन की जहां तक बात है, उस दृष्टि से मैं ये कह रहा था। तो एतेन कृष्णावतार द्वयमस्ति, भगवान कृष्ण दो रूप में प्रकट हुए हैं, नंद गृहे वसुदेव गृहे च, अतयोर द्वयोरेव लीलायाः प्रश्नः इति ध्येयम् सुमतिभिः। सुंदर बुद्धि वाले लोगों को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि ये दोनों जो सरकार के परमात्मा के श्री भगवान हरि के दोनों रूपों के द्वारा जो जो लीला, यानी श्री वृंदावन धाम गोकुल की लीला और श्री मथुरा धाम की जो लीला है, दोनों लीलाओं का हमें विस्तार पूर्वक वर्णन करें, इस आशय से ये सारी बातें कही गई है। तो ये और यहाँ भगवान सात्वतांपति में पति पद को अर्थ बहुत ही सुंदर रीति से स्वयं प्रकाशित किया। श्रीधर स्वामी जी ने कहा पति ही पालक है, भगवान को छोड़ के पालक तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सात्वताम पति ही ने अपने भक्त वैष्णव जनों के जो पति हैं, पालक हैं। और ये तो मैं बात कि भगवान को छोड़कर कहीं हमारा कोई पालक है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्रहलाद जी ने निर्णय कर दिया कि कोई माता पिता इधर उधर कोई भी भगवान को छोड़कर पालक हो नहीं सकता। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे, और क्योंकि बच्चा जब रोता है तो उसको खुद नहीं पता, माँ को खुद पता नहीं रहता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, उस समय कैसे माँ रक्षा कर सकती है। तो यथा कथनचित अपने विवेक से कुछ सोचकर जैसे औषध आदि देती है, लेकिन भगवान ही रक्षा करते हैं। हम लोग रात में खा करके सो जाते हैं, कान का छिद्र खुला रहता है सारे अंग के सब, और उसमें सांप आगे घुस जाए, कौन बचाएगा आपको। तो पति ही, जिसको श्रुति कहती है पतिम पतिनाम परमं परस्तात विदाम देवं भुवनेश मीडियम, ईश्वरों के भी परमेश्वर भगवान है, वो सात्वताम पति हैं, अपने भक्तों के पति हैं। देखिए सात्वत में बहुत सुंदर विवेचन किया, कुछ वक्तव्य विशेष नहीं रहा, अथापि ये जस्तु की प्राप्ति की आशंका जब होती है साधवत क्यों हुआ, तो तसो मत्वर्थे सूत्र का अनुसंधान करने से यहाँ भाव संज्ञा होने के कारण और पद संज्ञा मूलक जो जस्तु की प्राप्ति है उसका भी वारण किया गया। अस्तु, तो अगला जो श्लोक है उसकी शरण में चलते हैं और श्री धर स्वामी जी के की कृपा से उसमें यथासंभव विचार किया जाएगा। अब हम श्लोक की शरण में आ गए। तन्नः शुश्रूषमाणानां अर्हस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नामि विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत तद्विभेति स्वयं भयम् यत्पाद संश्रयः सूत यत्पाद संश्रयः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्य स्वर्धुन्यापो नु सेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। ये मंगलमय पद्य भगवान वादरायन के हैं और जिसमें ऋषिजन शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं तन्नः
शुश्रूषमानान। हे भगवान, तत् तत्पद का परामर्श वही है पूर्व यदर्थ के साथ, अर्थात यस्य अर्थविशेषस्य चिकीर्षया तत्, अथवा जो भगवान प्रकट हुए तद विषय तन्नः शुश्रूषमानानां। क्या बात है, यहाँ ये शुश्रूषमाना का जो बहुवचन है इसको श्री शोधनीकार ने बहुत आनंद लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत हैं, एक दो होते तो आप हमारी जिज्ञासा को आप उपेक्षित भी कर सकते थे। बहुनाम अस्माकम श्रवणेच्छा पूर्णाय कथनीयम, एक दो व्यक्ति के आग्रह को आप ठुकरा भी सकते हैं लेकिन आपके समाधान करने से, आपके उत्तर देने से बहुत लोगों का कल्याण होगा। हम लोग बहुत लोग हैं जिनकी भगवत विषयक भगवान के मंगल में कथा श्रवण में रुचि है, इच्छा है, और इस इच्छा को तो कह सकते हैं सूर्य जी आप लोग योगी लोग हैं, योग से श्रवण इच्छा को पूर्ण कर लीजिएगा, वो ही तो संभव नहीं है। योग से श्रवण इच्छा की निवृत्ति संभव नहीं है, नवा योग कर्तुम शक्यते, योग के द्वारा ये संभव नहीं है। नवा योगेन श्री भगवान के द्वारा भगवत विषय पदार्थ का ज्ञान कथमपि संभव नहीं है, इसलिए आपको भगवान की कथा सुनानी ही पड़ेगी। दूसरी बात, आप साक्षात या परंपरा जो भी आपको गुरुमुख से प्राप्त हुआ है, आप अनुवर्णयितुम अनुपश्चात वर्णयितुम, अर्थात आपने जो गुरुमुख से जो कुछ भी सुना है उसका पश्चात वर्णन करें। वर्णितुम का तात्पर्य वर्णयितुम, यहाँ तो नीच का प्रभाव नहीं दिखता है, तो कहा कि नहीं तात्पर्य यही है, वर्णयितुम अर्हसि, वर्णितुम को आप वर्णयितुम समझ करके, और आपने जब गुरुमुख से सुना है, देखिए जब हम मूल का अनुरोध नहीं करते हैं तो हम बहुत दूर भटक जाते हैं। जब गुरु जी ने जैसा कहा है वैसा आग्रह रखते हुए सुनाना चाहिए, भागवत जी के मूल के आग्रह से कथा सुनाना चाहिए, और इसलिए अनुवर्णन का जो अनुपदार्थ है वो बहुत विचारणीय है। जैसा आपने सुना है ठीक उसी रूप में यदाह भगवान शुकः, मैंने निवेदन किया श्री भगवान शुक के मुख से जैसा आपने सुना है अविकल रूप में सुनाइए अपने मन से, ताकि संप्रदाय अक्षुण्ण बना रहे। गुरु से जिस क्रम से शास्त्र की प्राप्ति हुई उसी क्रम से आप शास्त्र को सुनाइए तो उसका अविकल रूप बना रहे। और अब क्या है, अब तो भागवत जी का मूलार्थ कुछ है और हम लोग कुछ कहने लग जाते हैं तो यह नहीं हो, इसलिए अनु पदार्थ को स्पष्ट किया। अनुवर्णयितुम अरहसी, अरहसी ऐसे मैं श्रीधर स्वामी को पहले पढ़ लूं तब अपने मन से उछल कूद करना ठीक रहेगा। हे अंग हे सूत, और वल्लभाचार्य ने यहाँ तो श्रीधर स्वामी जी ने अंग पदार्थ को ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है, श्री वल्लभाचार्य ने कहा अत्यंत कोमल संबोधन है ये, अंग परम आत्मीय पुत्र आदि के लिए वत्स आदि के लिए होने वाला जो संबोधन है वह है अंगेति कोमल संबोधनम, अंगत्वेन स्वाधीनत्वाय, आप मेरे अपने हैं, अत्यंत आत्मीयता का प्रकर्ष बताना होता है पुत्र आदि में तब अपने तब उसको अंग ऐसा संबोधन करते हैं। और इसका तात्पर्य क्या है कि आपने जिस प्रकार से गुरुजी से अध्ययन किया तो गुरुजी के द्वारा से पठित पाठ का अनुवचन होना ही चाहिए ना, इसलिए आप अनुवर्णन करिए और हमें करिए। जैसे मंत्र किसी संप्रदाय में मंत्र की प्राप्ति होती है तो प्राप्त मंत्र वाला पुरुष यदि समर्थ है अधिकारी है तो इस मंत्र की परंपरा को जैसे वो आगे बढ़ाता है वैसे इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाइए। आप कृपण मत बनिए, जैसे गोपिकाओं ने भगवान से कह ही दिया ना कि आप कैसे भगवान हो, सरकार कैसे सरकार हो, श्याम सुंदर कैसे भगवान हो, अरे जिस अधरामृत पर भक्तों का अधिकार है हमारा अधिकार है, आप उसको रखे हुए हो, बांटने की चीज है, जो बांटने की चीज है उसमें कंजूसी करने की क्या बात है। वैसे ही आप अनुवर्णन कीजिए, यहाँ कहते हैं कि पठितस्य ही अनुवचनम आवश्यकम, और ज्ञान की परंपरा का विकास होना चाहिए, आपने जो पढ़ा है उसका अनुवचन करिए पुनः उसको बोलिए। तो इस प्रकार यह अंग अत्यंत
अत्यंत कोमल संबोधन है, क्योंकि आत्मीयता का अतिरेक व्यंजित करने के लिए ऐसा कहा गया है। तो तन्नः शुश्रूषमाणानां, यद्यपि जो अनुवर्णन यह भाषण रूप ही तो है और इसलिए द्व्यर्थकता द्विकर्मकता की प्राप्ति होती है, तो यहाँ की षष्ठी को आप द्वितीया के अर्थ में ही मान लीजिए। शुश्रूषमानान, जो श्रवण की इच्छा रखने वाले हम लोग हैं, और यूं सोचिए लीजिए कि भगवान की कथा के सेवन के लिए ही उपस्थित है, तो शुश्रूषा पर है यह अर्थ भी, और श्रवण की इच्छा वाले हैं, ऐसे शुश्रूषमानान, इस आशय शुश्रूषमानानाम अंग अथवा शुश्रूषमानानाम अंग, इसके साथ भी संबंध करके आप विवेचन कर सकते हैं। इसलिए अर्थात यदि जिनका, तो तन्ना सुषुष्मानानाम अरहसी अंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं तन्ना अनुवर्णितुं अरहसी, आप उसे अनुवर्णित कर सकते हैं। और अरहसी को लेकर के श्री वीर राघवाचार्य ने कहा कि अरहसी इतनेन सदनुगृहीतः कार्तनेन तश्चरित्र वेदीत्वं वक्तुं प्रपूहिति सूचितम्। संत महापुरुषों की, भगवान बादरायन की करुणा आपके साथ है, तो उनकी कृपा कटाक्ष से आप समुज्जीवित हैं, अनुप्राणित हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो सत से अनुग्रहित होने के कारण संपूर्ण कार्त्स्येन तच्चरित वेदी, समग्र सामग्रेण आप भगवान के चरित्र को जानते हैं, इसलिए आप उनके निरूपण में समर्थ हैं। तो सामर्थ्य प्रकाशन के लिए अरहसी वक्तुम अनुवर्णितुम अरहसी, ऐसा कहा गया। आगे कहते हैं कि देखिए, श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं सामान्यतः तावत यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय पालनाय भवाय समृद्धये। तो सामान्यतः श्री भगवान का जो अवतार होता है तो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, ये संसार के जीवों के क्षेम के लिए और भाव के लिए होता है। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज ने यहाँ क्षेमाय का अर्थ किया पालनाय, और भावाय का अर्थ है समृद्धये, तो समृद्धि के लिए, विकास के लिए और क्षेम परिपालन के लिए भगवान का अवतार होता है। ये सामान्यतः बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन ही है कि जीव का पालन हो, क्योंकि वो महाविष्णु है, सबके इसी के लिए अभिषिक्त है, जीव के रक्षण के लिए ही। तो स्वाभाविक है कि क्षेम का अर्थ पालन होना चाहिए और उत्तरोत्तर कर्म का, उसकी समृद्धि होना चाहिए, तो इसलिए भव का अर्थ समृद्धि, ऐसा किया भवाय समृद्धये और क्षेमाय पालनाय। तो श्रीधर स्वामी जी ने इन दोनों अर्थों का, क्षेम और भव को, पृथक पृथक करके दिखाया। श्री अन्यान्य आचार्यों ने चकार लभ्य, दो चकार का जो प्रयोग किया, इनका बहुत आस्वादन किया। और भूतानाम, ये जो भूतानाम का अर्थ भक्तानाम के स्थान पर जो भूतानाम कहा, इसके लिए वीर राघवाचार्य जी ने कहा, देखिए ऐसा है, भक्तानाम इसी अनुक्त्वा, भक्तानाम ऐसा न कह के भूतानाम जो कहा, इसका अभिप्राय यही है कि श्री भगवान, अरे भक्त तो उनके हैं ही, लेकिन क्या ये जीव उनके नहीं है? सभी जीव तो उनके हैं, तुलसीदास जी कहते तो हैं, तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कहते, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब का कारण मैं हूँ, सब मेरे, सब का उत्पादक मैं हूँ, जनक मैं हूँ, तो प्राणी मात्र, जीव मात्र मेरा प्रिय है। इसलिए शत्रु नाम दमन पूर्वकम अपवर्ग दायित्वेन महोपकर्ता इति किमु वक्तव्यम। तो भगवान तो शत्रु के भी दमन पूर्वक अपवर्ग ही प्रदान करते हैं। यद्यपि भगवान किसी को शत्रु नहीं समझते, भगवान इतने बड़े हैं, कोई अपने बाल बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपनी संतति को कोई शत्रु मानता है? तो जीव ही अज्ञानी, अपने अज्ञान के कारण, बेवकूफी के कारण, कोई कंस हो जाए, रावण हो जाए, कोई भी हो, भगवान से शत्रुता करता है, वो उसकी मूर्खता है। भगवान किसी को शत्रु मानते नहीं। इसलिए वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद आ गया, वाल्मीकि रामायण में भगवान आदि कवि ने कहा कि रिपूणाम अपि वत्सला, भगवान तो जो
शत्रु अपने को समझता है उसके लिए भी उसके प्रति भी वात्सल्य रखते हैं। आगे विचार करेंगे तो आगे वो जो युद्ध करने को तैयार है, चाहे रावण हो, कंस हो, कुंभकर्ण, जो कुछ हो, वह उसको जो बल प्राप्त है वो बल किसका है? भगवान का ही तो है। तो भगवान के बल से ही भगवान से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान जिस सेकंड चाहेंगे वह भस्म सात हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन आखिर भगवत प्रदत्त बल से वो उछल रहा है, अर्थात उसको युद्ध करने की शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं, चाहे युद्ध भगवान से ही कर रहा हो। तो विपुणाम अपि वत्सलः, तो इसलिए यहां आचार्य नहीं, भगवान का कोई अपर स्वरूप नहीं, स्वयं भगवान, साक्षात भगवान, इस अर्थ को प्रकाशित के लिए स्वयं पद का प्रयोग होता है। वैसे मूलभूतम भयम, ये कहने के लिए भयम, स्वयं भयम, ऐसा इस पद का उपादान किया। और मूलभूत भय क्या है? महाकाल है, और महाकाल एव, और जब महाकाल ही निवृत्त हो जाता है तो फिर कह रहे हैं कि फिर अन्य किसकी किसकी बात करें? किम पुनः, जब महाकाल ही डरता है जिससे पूरा संसार कंपित होता है, जब वह महाकाल ही भगवान के नाम से डरता है तो किम पुनः मृत्यु, तो मृत्यु की क्या बात है? अर्थात मृत्यु का भी जो प्रेरक है वह डर रहा है, और फिर यम, यम की क्या बात है, और किमुत यम दूता। देखिए, जब महाकाल ही भयभीत हो रहा है तो मृत्यु को कौन कहता है, यम को कौन कहता है, और किमुत, अर्थात ये सब उसके संकेत पर चलने वाले लोग हैं, और यम को कौन कहे, और यम के अधीन रहने वाले यमदूतों की फिर क्या बात है? या डबल कैमुतिक आप देखेंगे, किमुत मृत्यु यमश्च, और उसके बाद पुनः किमुत लगाते हुए कहा, जो यमदूतों से डरने की बात करते हैं, यमदूत तो भयाक्रांत रहते ही हैं भगवान के नाम से, यम भी जब डरते हैं तो यमदूत को कौन कहे, और यम की कौन बात कहे, जब महाकाल ही डरता है। तो इस अर्थ विशेष का प्रकाशन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहां इस जो स्वयं पद के प्रयोग होने से इस अर्थ विशेष का प्रकाशन किया है। ततः सद्यो विमुच्येत तद विभेति स्वयं भयम्, कहीं कहीं यद विभेति का, लेकिन तद विभेति जैसे लगता है। देखिए, यत पद का प्रयोग होने से यद विभेति स्वयं भयम्, ऐसा कुछ लोग पाठ मानते हैं, और उसके अनुरूप ही यत यतो नामनः एकस्मादपि, ऐसा विवेचन बताता है कि यह भी यत विभेति स्वयं भयम्, इसको इसी पाठ को मान रहे हैं। तो यत, यत का मतलब है यतः, और यत यदर्थ है और कोई नहीं, यद्यपि परामृष्ट आप पूर्व श्लोक में यस्यावतार में यदर्थ भगवान है, लेकिन चूंकि इससे सद्य यन्नाम में, यन्नाम में भी यद एव नाम अथवा यस्य नाम ऐसा समास न करके यन्नाम, तो यदर्थ यदि श्री भगवान होंगे तो या भगवान नाम होगा, तो कहते कि नहीं, यत पद से श्री भगवान का नाम ही गृहित है, ये नामी का परामर्श नहीं हो रहा है, इसलिए यहां कहते हैं यत यतो नामनः एकस्मादपि, भगवान का एक नाम भी उच्चरित हो जाए, वारक नाम, एक नाम का तात्पर्य है एक बार उच्चरित नाम, भगवान के असंख्य नाम है, ये भगवान की कृपालुता, एक नाम भी निर्भय करने में समर्थ है, और किस से? तो कहते हैं महाकाल से भी, और जो महाकाल कहने का मतलब भय का मूल स्वरूप, भय, भय, यद्यपि भय शब्द के अनेक अर्थ यत्र तत्र पठित हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान इतिवत, जैसे हम कहीं बोलते हैं स्वयं भगवान आ रहे हैं, स्वयं भगवान प्रकट हो गए, तो वहां जैसे स्वयं भगवान कहने से भगवान का अंश, भगवान का कोई प्रतिनिधि ऐसा अर्थ नहीं होता है, भगवान का भी कोई रूपांतरण ऐसा अर्थ नहीं होता है, वहां साक्षात भगवान, निरावरण भगवान, जो सकल अवतारों के बीज है वो भगवान, तो
जैसे अर्थ होता है वैसे भय पद से मूल भय जिसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाकाल पद से संकेतित करते हैं, मूलभूतम भयम इन्हें महाकाल एव विभेति। और फिर कैमूति के द्वारा इस अर्थ का प्रकाशन करते हैं, किम पुनः मृत्यु अर्थात काला यस्योपसेचनम। ये तो काल आदि और मृत्यु आदि तो जिसका उपसेचन है, तो इसलिए यमश्च किमुत यमदूताः इति भावः। तो इस प्रकार श्री भगवान के नाम के अचिंत्य प्रभाव को बताने के लिए यह श्लोक संकल्पित था। और कैसे श्री भगवान का एक नाम श्री कृष्ण नाम, एक नाम और एक नाम का तात्पर्य है सकृत उच्चरित नाम, एक बार उच्चरित नाम, एक नाम, सभी नामों का आश्रय न हो तो भी एक नाम ही इस प्रकार जीव को अभय देने में समर्थ है और सब प्रकार के भय के मूल के निरसन में समर्थ है। इस अर्थ विशेष का प्रकाशन इस श्लोक के द्वारा हुआ। तो अब समय भी एकदम ठीक ठिकाने आ गया है, इसलिए उस मंगलमय श्लोक का जो नाम के अचिंत्य वैभव के प्रकाशन के लिए संकल्पित है उस श्लोक का उच्चारण कर लेता हूँ। एक श्लोक पूर्ववर्ती भी, तन्नः शुश्रूषमाणानां अर्हस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत तद्विभेति भयम् स्वयं भयम् तद्विभेति स्वयं भयम्। इस प्रकार इस मंगल में श्लोक का उच्चारण करके और श्लोकार्थ आविष्कार में या टीका के अर्थ के अनुसंधान में अर्थ पुरस्करण में जहाँ जहाँ त्रुटि हुई, स्खलन हुआ, इन सकल त्रुटि स्खलन के लिए गुरुजनों से, अभिभावक जनों से क्षमा याचना करूं। विशेष करके जो निरंतर भगवान के नाम में लगे रहते हैं, नामोपासक और नामिक जीवन जो वैष्णव जन है, कथा रसिक लोग हैं, उन सबके चरणों में क्षमा याचना करता हुआ वाणी को उपसंग्रहित करता हूं भगवान नाम के साथ। और वही नाम जिनकी महिमा गाई जा रही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।